हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बॉर्डर लेआउट सीखेंगे और देखेंगे कि बॉर्डर लेआउट को अपने जावा स्विंग में कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इससे पिछली वाली वीडियो में जैसे कि आप जानते हैं मैंने नल लेआउट बताया था और बताया था कि नल लेआउट में क्या होता है। तो नल लेआउट में हमने देखा था कि जो भी हमारे चाइल्ड एलिमेंट्स हैं वो उनका उनकी पोजिशन और साइज़ हमें खुद देना पड़ता है, खुद डिसाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो इससे क्या है कि उसका पोजिशन और साइज़ फिक्स हो जाते हैं। मतलब अगर आप फ्रेम को रिसाइज़ करेंगे, विंडो को रिसाइज़ करते हैं, तो उसका फ्रेम को मींस उसका इफ़ेक्ट आपके चाइल्ड एलिमेंट्स की साइज़ और पोजीशन पर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर नल लेआउट के अलावा आप किसी और लेआउट को यूज़ करते हैं तो अदर लेआउट में क्या होता है कि या तो चाइल्ड एलिमेंट्स की पोजीशन और चाइल्ड एलिमेंट्स की पोजीशन और साइज़ में इफ़ेक्ट पड़ता है, या तो क्या होगा कि उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी या उसका साइज़ चेंज हो जाएगा फ्रेम को रिसाइज़ करने पर। ठीक है, जैसे कि आप जानते देख सकते हैं यहाँ यहाँ मैंने बॉर्डर लेआउट एग्जांपल आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने बॉर्डर लेआउट को शो किया हुआ है। तो इसमें क्या है कि बेसिकली बॉर्डर लेआउट में क्या होता है कि पांच एरिया होते हैं। ठीक है, ये टॉप में सबसे टॉप में होता है पेज स्टार्ट, सबसे बॉटम में होता है पेज एंड, और उसके बीच में तीन एरिया और होते हैं, यहाँ लाइन स्टार्ट लेफ्ट में और बीच में है सेंटर और लास्ट में लाइन एंड। तो ये पांच एरिया होते हैं बॉर्डर लेआउट के। ठीक है, जिसमें आप चाइल्ड एलिमेंट्स को सेट कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर आप इसका साइज़ इंक्रीज या डिक्रीज़ करोगे तो इसकी जो चाइल्ड एलिमेंट्स हैं उसकी पोजीशन तो फिक्स रहती है, लेकिन उसके जो साइज़ है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है। जैसे कि अगर मैं इसे वर्टिकली, ठीक है, अगर मैं इस फ्रेम को वर्टिकली इंक्रीज़ करता हूँ इसके साइज़ को, तो आप देख सकते हैं कि पेज स्टार्ट और पेज एंड का जो एंड की जो हाइट है वो तो फिक्स है, बट जो बीच के लाइन स्टार्ट सेंटर और लाइन एंड हैं, ये कंपोनेंट्स हैं, इनकी हाइट चेंज होती है। ठीक है, हाइट इनकी इंक्रीज़ करने पर इंक्रीज़ होती है और डिक्रीज़ करने पर इसकी हाइट डिक्रीज़ होती है, बट जो पेज स्टार्ट और पेज एंड हैं उसकी हाइट वो फिक्स है। ठीक है, वर्टिकली इंक्रीज़ करने पर। अगर हम इसे हॉरिजॉन्टली चेंज करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे जो लाइन एंड और लाइन स्टार्ट है उसकी विड्थ फिक्स है। ठीक है, बाकी सब की विड्थ चेंज होती है। आप देख सकते हैं इस लाइन स्टार्ट और लाइन एंड की विड्थ फिक्स रहती है, बाकी सेंटर और पेज स्टार्ट और पेज एंड की विड्थ चेंज होती है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं। और अगर आप इसे दोनों को इंक्रीज करते हैं, मतलब वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, तो ये सब कि साइज़ और साइज़ सभी का चेंज होता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं, इसे अच्छे से समझते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ एक बॉर्डर लेआउट एग्जांपल नाम से एक क्लास ली है और उसमें एक फ्रेम बना लिया है। ठीक है, ये एक सिंपल फ्रेम है, तो अभी मैं इसे रन करता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का लेआउट आ रहा है। ठीक है, तो अभी मैंने इसमें क्या किया है कि एक फ्रेम लिया है, उसका साइज़ दिया है और एक कंटेनर सी नेम से एक वेरिएबल लिया है जिसमें मैंने फ्रेम का कंटेंट मेन पता कर लिया है। तो अब क्या करते हैं, इसमें पांच बटन लेते हैं, तो मैं बटन डिक्लेयर कर देता हूँ। जे बटन बी वन इज़क्वल टू न्यू जे बटन, यहाँ लेता हूँ मैं पेज स्टार्ट, इसकी कॉपी कर देते हैं, और सेकंड वाला मैं लेता हूँ बी टू पेज एंड, जे बटन बी थ्री इज़क्वल टू न्यू जे बटन, और इसे हम देंगे लाइन स्टार्ट, इसी की कॉपी कर देता हूँ मैं, इसे देंगे हम बी फोर बी फाइव, और ये रहेगा बीच वाला सेंटर। ठीक है, और इसे देंगे हम लास्ट वाले को एंड, लाइन एंड। ठीक है, चलिए, तो अभी हमने बटन बना लिए हैं, अभी इस कंटेनर में सेट कर देते हैं। ठीक है, तो कंटेनर में ऐड कर देते हैं, लेकिन यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे अब तक हम कंटेनर में कंपोनेंट को ऐड करते आ रहे हैं उस तरीके से इसमें नहीं होगा। ठीक है,
इसमें आपको कंटेनर में ऐड करने के लिए इसमें क्या, तो इसमें कंटेनर में ऐड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, सी डॉट ऐड, और यहाँ हमें दो पैरामीटर पास करने हैं, ठीक है। पहला पैरामीटर जो है वो जो भी कंपोनेंट आपको ऐड करना है, तो मेरे को ये मुझे यहाँ ऐड करना है B1, ठीक है। और दूसरा जो पैरामीटर है वो है एक कांस्टेंट जो कि बॉर्डर लेआउट में डिफाइंड है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, बॉर्डर लेआउट लेआउट, और इसमें वो कंपोनेंट पास करना है जहाँ भी आपको से उसे जिस भी एरिया में सेट करना है। जैसे मुझे करना है ये पेज स्टार्ट में, तो हम यहाँ पेज स्टार्ट दे देंगे। इसी तरह से सी डॉट एड दूसरे वाले के लिए B1 कॉमा बॉर्डर लेआउट डॉट पेज एंड, ठीक है, पेज एंड। इसी तरह से सी डॉट एड B3 कॉमा बॉर्डर लेआउट डॉट लाइन स्टार्ट सी डॉट एड B4 कॉमा बॉर्डर लेआउट डॉट सेंटर सी डॉट एड B5 कॉमा बॉर्डर लेआउट डॉट लाइन एंड, ठीक है, लाइन एंड। तो इस तरह से हमने पांच बटन बनाए और उसे पांचों एरिया में सेट कर दिया है, ठीक है। यहाँ B2 है, सॉरी, ठीक है, B2। तो चलिए अभी इसे रन करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो अभी आप देख सकते हैं जैसा हमने सोचा था, जैसे जैसे हमने ये सेट किया था वैसा वैसा आ रहा है, ठीक है। तो जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्ट में ही देख लिया था कि अगर मैं इसे वर्टिकली इंक्रीज़ करता हूँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं पेज एंड और पेज स्टार्ट की जो हाइट है वो फिक्स है और बाकी सबकी हाइट इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इसे वर्टिकली मीन्स हॉरिजॉन्टली रिसाइज करता हूँ, तो जो लाइन स्टार्ट और लाइन एंड की जो विड्थ है वो फिक्स है, बाकी सबकी विड्थ चेंज होती है, ठीक है। चलिए इतना तो हमने देख लिया है। अभी हम देखते हैं कि अगर मैं इसमें से किसी भी कंपोनेंट को नहीं नहीं दूँ, मीन्स किसी भी कंपोनेंट को रिमूव करता हूँ, जैसे मैं यहाँ से लाइन एंड को रिमूव कर देता हूँ, तो क्या होगा कि सेंटर जो है ये बीच वाला सेंटर ये यहाँ तक फैल जाएगा, ठीक है, ये इसकी भी जगह ले लेगा। जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ लाइन एंड को कमेंट आउट कर देता हूँ, तो इससे क्या होगा कि इसकी जो जगह थी वो सेंटर ने ले ली, मींस जो बीच का जो हमारा सेंटर होता है वो फैलता है, ठीक है, बाकी सब फिक्स रहते हैं, बाकी सब जगह नहीं लेते, लेकिन ये फैलता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से लाइन स्टार्ट को भी हटा दूँ, लाइन स्टार्ट को रिमूव कर देता हूँ, तो इससे क्या होगा कि ये इसकी भी जगह ले लेगा। आप देख सकते हैं ये इसकी भी जगह ले ली। इसी तरह से मैं पेज स्टार्ट और पेज एंड को भी हटा देता हूँ यहाँ से, पेज स्टार्ट और पेज एंड को हटा देता हूँ। तो अभी मैं इसे रन करता हूँ, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो सेंटर है उसने सभी की जगह ले ली है, ठीक है। चलिए इसे वापस से कर देते हैं। फ्रेंड्स अभी आपने एक चीज़ देखी होगी कि मैंने यहाँ कोई बॉर्डर लेआउट का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है, ठीक है, बॉर्डर लेआउट का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है, वो फिर भी ये वर्क कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो फ्रेम का लेआउट होता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो फ्रेम का लेआउट होता है वो बॉर्डर लेआउट होता है, ठीक है। तो बॉर्डर लेआउट बाय डिफ़ॉल्ट फ्रेम का डिफ़ॉल्ट लेआउट है, इसलिए ये अगर आप बॉर्डर लेआउट का कोई ऑब्जेक्ट नहीं देते हैं, अगर लेआउट इसका सेट भी नहीं करते हैं, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर लेआउट रहता है, ठीक है। फिर भी हमें अगर ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम कर सकते हैं बॉर्डर लेआउट इज कॉल टू न्यू बॉर्डर लेआउट, क्योंकि सिर्फ ये बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ फ्रेम का लेआउट बॉर्डर लेआउट रहता है। अगर हमें किसी जे पैनल में या किसी और कंटेनर में सेट करना है, तो उसके लिए हमें लेआउट को सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम इसे करेंगे, तो बॉर्डर लेआउट इज इक्वल टू न्यू बॉर्डर लेआउट, और यहाँ हम इसे सी डॉट सेट लेआउट मेथड में पास कर देंगे।
ठीक है, तो ये परफेक्ट तरीका है किसी भी लेआउट को सेट करने का। ठीक है, तो चलिए अभी हम इसे रन करते हैं। चलिए, तो इस तरह से हमारा ये आ रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आप क्या हो कि अगर आप इस किसी भी कंपोनेंट को इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, मैं यहाँ से इसे कंपोनेंट कमेंट आउट कर देता हूँ क्योंकि मुझे एक चीज़ समझानी है आपको कि अगर आप किसी भी कंपोनेंट को इसमें डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ 3 कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, 1 कर देता हूँ, ठीक है, तो अगर मैंने ये इसे ऐसे ऐड किया और इसकी कोई पोजीशन नहीं दी, ठीक है, ना तो इसे पेज स्टार्ट में दिया है ना पेज एंड में, मीन्स इसका कोई भी कांस्टेंट नहीं दिया, सेकंड पैरामीटर पास नहीं किया, तो क्या होगा। तो इसे मैं रन करके देखता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि अगर आप किसी कंपोनेंट की पोजीशन नहीं देते हैं बॉर्डर लेआउट में, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो वो सेट होता है वो सेंटर में सेट होता है। आप देख सकते हैं ये है तो पेज स्टार्ट, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर की जगह, क्योंकि सेंटर की जगह सेट हुआ है, क्योंकि इस तरह जो फैलता है वो सेंटर फैलता है, तो ये सेंटर की जगह सेट हुआ है। ठीक है, चलिए फ्रेंड, ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पेज स्टार्ट, पेज एंड, लाइन स्टार्ट, लाइन एंड और लाइन ये सेंटर इन्हीं का यूज़ करें, ठीक है, क्योंकि आप इन इनकी जगह फ्रेंड, ज़रूरी नहीं है कि आप पेज स्टार्ट, पेज एंड और लाइन स्टार्ट, लाइन सेंटर और लाइन एंड का ही यूज़ करें, आप उस उनकी जगह यहाँ वही एरिया कुछ अलग नाम से, नेम से भी दिए हुए हैं, जैसे कि जो पेज स्टार्ट था उसे आप नॉर्थ कह सकते हैं, वो नॉर्थ एरिया है, यहाँ साउथ एरिया है, इधर वेस्ट, इधर ईस्ट, सॉरी ये ईस्ट है, ये वेस्ट है हमारा, शायद हमने गलती कर दी है, देख लेते हैं, B3 ईस्ट, ओके सही है, तो आप देख सकते हैं यहाँ वेस्ट और यहाँ ईस्ट, ठीक है, तो इस तरह से आप अगर डायरेक्शन के तरीके से सोचें तो इस तरह से एरिया होते हैं, नॉर्थ, वेस्ट, सेंटर, ईस्ट एंड साउथ, ठीक है, इस तरह से भी आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये रहा। चलिए अभी मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ और वापस से उसी जगह चलते हैं। चलिए, तो अभी देखते हैं हम कि अगर हमें इनके बीच का जो, अगर इन कंपोनेंट के बीच गैप गैप देना है तो वो हम कैसे देंगे। ठीक है, तो अगर हमें हॉरिजॉन्टली गैप देना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ बॉर्डर लेआउट में क्या करेंगे, यहाँ हम पास कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली गैप और वर्टिकली गैप, तो यहाँ मैं हॉरिजॉन्टली गैप देने वाला हूँ 10 और वर्टिकल गैप 5 देने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो हॉरिजॉन्टल गैप है वो 10 पिक्सल आ रहा है और वर्टिकल गैप 5 पिक्सल आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली गैप भी दे सकते हैं कंपोनेंट के बीच में, और ज़रूरी नहीं है कि आप इसे कंस्ट्रक्टर में ही पास करें, आप इसे एक्सटर्नली भी पास कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ हमने जैसे कि बॉर्डर लेआउट का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, तो हम क्या करेंगे, बॉर्डर लेआउट डॉट सेट एच गैप, और इसमें हम 10 पास कर देंगे, इसी तरह से बॉर्डर लेआउट डॉट सेट वी गैप, और यहाँ हम वर्टिकल लेआउट कर देंगे 5, तो इस तरह से भी आप इसे सेट कर सकते हैं, सेम ही वर्क करेगा। ठीक है, आप कैसे भी कर सकते हैं, तो इस तरह से हमने देखा कि इस वीडियो में कि बॉर्डर लेआउट का हम एप्लीकेशन में जावास्क्रिप्ट में कैसे यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।
और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर लें ताकि जितने भी मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।